हेलो नमस्ते सत श्रीकाल दोस्तों, आप फ्री डिश डीटीएस सिस्टम हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो मैंने अभी पिछली प्रीव्यूज वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में बताया था, कौन सा सैटेलाइट रीब्रांडिंग होने वाला है, कौन सा रिलॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो उसके वीडियो में मुझे एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था प्लीज़ इसके कवरेज मैप के बारे में भी मुझे बताएं। तो उनकी बात भी सही थी और मैंने आज सोचा कि चलो आज उन सैटेलाइट्स के बारे में आपको मैप के बारे में आपको जानकारी दी जाए। तो दोस्तों इस सभी जो मैंने सैटेलाइट के जो मैंने वीडियो बनाई थी इन्हीं सैटेलाइट की मैं कवरेज की बात करूंगा। तो इन जो सैटेलाइट में जो अभी चेंजेस होने वाले हैं, जो रीब्रांडिंग हो रही है, जो नए सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, तो इनमें जो इनका फुटप्रिंट में है, जो उनका कवरेज मैप है ना, इनमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ इनका दायरा बढ़ सकता है, जहाँ इनकी कवरेज में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वैसे चेंजेस की संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हमको इसका जो न्यू अपडेट होगा, तो जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी कि कौन सा कवरेज मैप कहाँ को किस दिशा की ओर इसका इंक्रीज हुआ बढ़ा है, तो जिससे हमारे शहर में भी उसका कवरेज आए। इस तरह की कोई नीचे इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो तुरंत हम उसको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो हम स्टार्ट करें, तो प्लीज़ उससे पहले इस छोटी सी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को भी शेयर करना जरूर है और नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन ही रखना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों ये अपने आप में एक अनोखा चैनल है, तो सभी की मैं पूरी मदद करता हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे कॉर्पोरेट करें, तो हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तों तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो पहला सैटेलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने एक बुक भी बनाई है अपनी, ये सभी आज मैंने होमवर्क किया, आपके लिए होमवर्क किया, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो मैंने अभी वीडियोज में आपको बताई थी कौन कौन से सैटेलाइट्स जिसमें हमको फुटप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी हमारे दोस्तों को, उनके फुटप्रिंट्स क्या है, मतलब उनके कवरेज मैप क्या है, तो मैं आज सारी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की आपके लिए। तो दोस्तों इस सबसे पहला जो सैटेलाइट है मैंने बताया था इनसैट 3DS, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, वो 93 में है या 74 में है, तो चलिए 93 में है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो दूसरा है 74 डिग्री, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें जो सैटेलाइट जो 74 डिग्री में हम पहले भी ट्रैक करते रहे, ठीक है, 93 तो वैसे ऑलरेडी आप सभी के है, तो इन दोनों में से कोई भी इसका मैप जारी होगा तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो ये सैटेलाइट तो क्लियर हो गया, अब दूसरा जो सैटेलाइट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको, तुर्कसैट जो है हमारे 42 डिग्री पर है, 42 ईस्ट पर है, और इसकी इसमें टू एक्स बैंड जोड़े गए हैं। चलिए एक्स बैंड तो हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, मतलब अभी आए नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक खासियत बात ये है कि इसमें 20 क्यू बैंड जोड़े गए हैं, क्यू बैंड, ठीक है, मतलब आपको 20 क्यू बैंड फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी, तो चैनल भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसकी कवरेज मैप के बारे में बता दूं मैं, पुराने जो इसका सैटेलाइट है AB6, ठीक है, तो उनके हिसाब से मैं आपको इसकी कवरेज मैप में बता देता हूँ कौन से शहर में आपके कौन सी साइज की डिश की ज़रूरत पड़ेगी इस सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए, कौन कौन से शहर आते हैं, ठीक है, इस सैटेलाइट के दायरे में कौन कौन से शहर आते हैं और कितनी फिट डिश आपको इसकी यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आप इस चैनल का और सैटेलाइट का लुत्फ उठा पाएंगे। तो तुर्कसैट 42 ईस्ट क्यू बैंड की जो मैं अभी मैपिंग के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से शहर इसके दायरे में आते हैं, सबसे पहला आता है पंजाब, ठीक है, पंजाब, जयपुर, अहमदाबाद और गुजरात, ठीक है, पंजाब, अहमदाबाद और जयपुर और गुजरात में ये 90 सेंटीमीटर डिश पर ट्रैक किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, 90 सेंटीमीटर डिश लेनी पड़ेगी आपको इस सैटेलाइट का पूरा लुफ्त उठाने के लिए। अमूमन ये 2 फीट पर भी ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन आपको टीपीज वगैरह कम मिलती है, ठीक है, एक टीपी मिल गई, दो मिल गई बस, ठीक है। तो असली में ये है कि आपको कम से कम 3 फीट की डिश की ज़रूरत पड़ेगी इस सैटेलाइट को कवरेज करने के लिए, ठीक है। तो अलीगढ़ में भी इसका कवरेज है, अलीगढ़, ग्वालियर और मालेगांव और नासिक,
इस सैटेलाइट को देखने के लिए अलीगढ़, ग्वालियर, मालेगांव और नासिक में आपको देखने के लिए 120 सेंटीमीटर डिश की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम 4 फीट डिश बोलते हैं इसको, ठीक है। 4 फीट की डिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको 42 तुर्क सेट देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप औरंगाबाद में हैं, पुणे में हैं, भोपाल में हैं, झांसी में हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आपको सैटेलाइट को देखने के लिए 180 सेंटीमीटर की डिश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लगभग आप 6 फीट डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्त, ठीक है। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अमरावती सिंगाली जो मेरे दोस्त रहते हैं, तो उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन बताइए, उनको देखने के लिए कम से कम 300 सेंटीमीटर की डिश की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी बड़ी डिश है, तो शायद ये ना हो पाए उनके लिए, ठीक है। तो ये मैं उनकी तुर्क सेट की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अब बारी आती है पाक सेट 38 डिग्री की, जो वार आर एट 38 ईस्ट डिग्री पर था, अब इसका नाम चेंज होके MM1R हो गया। तो 38 डिग्री पर इसकी कवरेज तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात में 2 फीट में ट्रैक हो जाती है। इसका प्रॉपर मज़ा लेने के लिए आपको कम से कम 2.5 फीट की डिश की आपको आवश्यकता है, तो भी इसका ज़्यादा TPS वगैरह ज़्यादा चैनल आप क्यू बैंड पे देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्यू बैंड पे इसको हमारे सैटेलाइट जो हम इसको ट्रैक करते हैं, तो इस सैटेलाइट पे हमको ज़्यादातर तो फीड चैनल ही प्राप्त होते हैं, जो ज़्यादातर बंद ही होते हैं, तो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई TP ऑन होती है तभी हम इसको ट्रैक कर पाते हैं, तो हो जाता है। अब मतलब उसके बाद तो आप कर नहीं सकते जब इसकी TP जो फीड चैनल बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको कम से कम 3 फीट की डिश की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल जो नया इसका सैटेलाइट है, तो इसकी कवरेज के अभी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो भी आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल मैं पुराने जो इसके दायरे हैं तो कवरेज है, तो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसके अलावा पाक सेट को आप दिल्ली और अदर स्टेट में देखने के लिए कम से कम 75 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 फीट से थोड़ी ज़्यादा डिश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दिल्ली और अदर स्टेट, इंडिया के पूरे स्टेट आ जाता है, पूरा इंडिया आ जाता है, तो कम से कम 75 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो इंडिया का कोना कोना में आप इस सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो पाक सेट 38 डिग्री की बारी थी। अभी एक एटल सेट 36 ईस्ट डिग्री की बारे में बारी आ चुकी है। तो दोस्तों इस सैटेलाइट में इस खासियत जो अभी रीब्रांडिंग हो रहा है, इसमें सभी TPs वगैरह चेंज हो जाएंगी, तो इसमें सबसे खासियत है कि इसकी 70 क्यू बैंड फ्रिक्वेंसी, ये अभी इसमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है, 70 क्यू बैंड आ रही है, तो इसका मतलब काफ़ी बड़ा सैटेलाइट मतलब चैनल बन जाएगा देखने के लिए। तो ये इसका कवरेज मैप कहाँ कहाँ से है, मैं इसका कवरेज मैप भी आप ध्यान से सुन लीजिए, कौन कौन से शहर आते हैं। सबसे पहले पंजाब, ठीक है, राजस्थान, बीकानेर में ये 2.5 फीट में ट्रैक हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूँ, पंजाब, राजस्थान, बीकानेर में ये 2.5 फीट के आसपास से, तो ये बिल्कुल आराम से कवरेज हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो अगर आप गुजरात में रह रहे हैं, अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, देहरादून में हैं, तो 110 सेंटीमीटर की डिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब 3.5 फीट के आसपास, ठीक है। तो अगर आप कानपुर में रह रहे हैं तो 130 सेंटीमीटर डिश की ज़रूरत पड़ेगी, 4.5 फीट की डिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन ये आपको कैसी लगी दोस्तों, ठीक है। मैं कवरेज मैर के मार में आपने फिर से अगर नहीं पता लगा तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से शहर में कौन कौन सी डिश का साइज आपको मिल रहा है, तो आप वीडियो दोबारा फिर से देख सकते हो दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कवरेज मैप के बारे में। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कवरेज मैप के बारे में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। जो हमारे नए दर्शक आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय।